today I am going to make a new video. So please whatever. पंगा हो गया भाई यहाँ पे तो. अभी टाइम देख लो कितने बज रहे हैं, 11 बज रहे हैं और आज संडे. तो हेलो जी, कैसे हो आप सब. मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हो निया का ब्लॉग. आज संडे है और बहुत टाइम बाद उत्तराखंड में, पता क्या हो रहा था, उत्तराखंड में गवर्नमेंट ने लॉकडाउन करा था सैटरडे संडे का, तो बहुत टाइम बाद संडे का लॉकडाउन खुला है. तो आज हम जा रहे हैं घूमने. तो अभी फिलहाल मैं अपने दोस्तों को पिक करूंगा, अभी ओला ड्राइवर बनूंगा क्योंकि मेरे को अपने दोस्तों को पिक करना है. तो चलो चलते हैं. तो अभी हम पहुंच गए हैं पैसिफिक के पास और मेरे अभी फ्रेंड्स आ रहे हैं, अभी उनका वेट करते हैं. आ गए. हेलो हेलो हेलो, कैसे भाई. ये है विकास देव और ये है रोहित भैया और ये है आयुष दोसाद. ये तो हमारे साथ आ ही गया था पहले. और आयुष दोसाद कैसा है, हाउ आर यू ब्रो. फाइन, ओके ओके. अभी ना बैठो गाइस. एक बार बताना कि इसका ये जो मास्क है कैसा लग रहा है. मुझे तो एलगार्ड की तरह लग रहा है. गाइस आंटी देखो क्या कर रहा है तुम्हारा लौंडा. दिल की धड़कन से आपको बताता हूँ यहाँ का एक ब्रो कोड. जब आप यहाँ पे टोल टैक्स में अगर आपको पुलिस वाले रोकते हैं तो आपको केवल ये बोलना है कि मैं टिहरी जा रहा हूँ बस, ठीक है. अगर आप बोलोगे मैं उत्तराखंड के ही रहने वाला हूँ, टिहरी जा रहा हूँ, तो आपको रोकेंगे नहीं. ऐसी लाइफ हैक्स के लिए मुझे फॉलो करो भाई. सेक्स सीन है, बिल्कुल ही सेक्स सीन. एक बार देख लो. और भैया कैसा लग रहा है फिर आपको. पहली बार गाँव से आया पर तो काफी अच्छा लग रहा है. तू खुद ही रुक गया, तू उन्होंने रोका तेरे को. करना है अबे तू रुका क्यों. डीएलआरसी हां तो दिखा दे डीएलआरसी. अच्छा डीएलआरसी बस और कुछ नहीं. ओहो माय गॉड, हाउ स्मार्ट आई एम. ए बॉय गीली. तो आ गए हैं अभी जॉर्ज एवरेस्ट और मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ एक बहुत ही सेक्सी जगह. मेरे लिए तो ये जन्नत है भाइयों. क्या है जन्नत. आज तो ऊपर बंद है जाने का, बट अभी हम यहाँ से सीधा यहीं से चले चलना. मैं तो जमकर. अरे भाई यहीं से. अरे भैया विकास आना, आजा आजा. अबे सीढ़ी है. हेलो डुक 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 का भाई. डुक का छोटा भाई. डुक डुक का छोटा भाई. शायद आप देख रहे होंगे वहां पे प्री वेडिंग शूट आउट भी हो रहा है यहाँ पे भाई. ये बड़ा सेक्सी है भाई. कैसा लग रहा है विकास देव. जन्नत. टट्टी फोटो खींचिए इस बंदे ने. ये अपने आप को फोटो खराबी है. फोटो तो देख, ये फोटो देख बता. ये कह रहा है. अभी ना मैं क्या करूंगा कि जो इसने फोटो क्लिक करी इसने वो डालूंगा और जो मैंने फोटो क्लिक करी मैं वो डालूंगा. बताने किसकी अच्छी है, ठीक है. इन्होंने मेरा पागल बना रखा. ये डाइट कॉन्शियस भैया है, देखो घर से ही लाए हैं, छोले बना के छोले खा रहे हैं. और इनको कुछ भी मिल जाए, अंडा मछली भी. हमारे ग्रुप की लड़की, इसके बहुत सारे नखरे हैं. क्या नहीं खाता, कभी अंडा नहीं खाता, कभी ये नहीं करता, कभी वो नहीं करता. मेरे मुंह में दाने हो जाएंगे.
और भाई जिस जगह तू अलग ही बोल रहे और भाई जिस जगह खा रहे है ना यहाँ से लुक देखो व्यू देखो भाई सबकी नजर मैं बताता हूँ आपको क्या। हाँ डाल दो। नहीं मैं वो बंदंडा बंदंडा मतलब मेरे लिए तो ये बहुत नॉर्मल सी बात है क्योंकि हम हर हफ्ते मसूरी आते हैं। यहाँ बोर नहीं हुआ मेरे को हर बार यहाँ का व्यू कैप्चर करने का मन करता है। तो जो बाहर से लोग आते होंगे उनको कितना मजा आता होगा। ये किसी की प्राइवेट है तो फिर बट जब भी तुम यहाँ पे आओ तो यहाँ पे तुम्हें खाने को मिल जाएगा। सब कुछ मिलता है यहाँ पे खाने को। अंडा मैगी चाय कॉफी पराठा सब कुछ। अब हम चलते हैं आगे। चलो भाई तेरा जहर है हर शहर में कह रहे। तो अब देखो भाई ये एक अल्टीमेट सीन बाबा दी मेरे भाई सेक्स सीन है यार। तो गाइस सीन देखो यार अभी मैं तुम्हें सीन दिखाता हूँ और मैं देखो कहाँ खड़ा हूँ। अभी तुम यहाँ देख रहे हो यहाँ पे पूरे क्लाउड थे पूरे क्लाउड और इतना सेक्सी लग रहा था ये बाबी दी मेहर है भाई तेरे जहर है। अब क्या करूँ मैं इनकी पहले फोटोज ले लूँ ये बड़े चिल्ला रहे मैं इनकी पहले फोटो लेता हूँ। अगर मैं यहाँ से गया बिल्कुल तो नीचे ही जाऊंगा नीचे ही जाऊंगा पूरा तो इसलिए थोड़ा पीछे हो जाता हूँ। और भाई तब तक तुम सीन के मजलो मेरा व्लॉग और उसमें दिक्कत नहीं हो ऐसा कैसे हो सकता है। इन लोगों ने इतनी फोटोज लिए कि मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई ओनली 5% लेफ्ट। अब देखते हैं आगे अगर कि हमें कहीं चार्जिंग करने को मिलेगा तो मैं चार्ज करूंगा तब वहां से कुछ वीडियोस लूंगा। भाई ये लोग अभी भी कर रहे हो भाई। चलो अब दूसरी लोकेशन भैया ने बोला कि उनको एक लोकेशन और पता है वो भी देखते हैं। चलो ऊपर जा रहा है बहुत ही बढ़िया जगह है तो बहुत ही औसम लुक मतलब जन्नत जन्नत बिल्कुल जिसे बोलते हैं। और जो अभी देखा था वो जन्नत नहीं है वो भी जन्नत है बट यहाँ पर हम आराम से बैठ सकते हैं लेट सकते हैं खा सकते पी सकते हैं जो मर्जी करो जो मर्जी करो। यहाँ पे थोड़ी पार्टी चल रही है। अरे भाई ये देखो अरे भयंकर खून निकल गया कह दिया भाई सबके खतरनाक सीन हो रहे हैं सबके जोक लग गए इसके भी जोक लग गई तेरे को पता नहीं चला सब चेक कर रहे सब अपने पैर चेक कर रहे क्योंकि किसी को पता तो चला नहीं है जोक लग गई नीचे चेक करेंगे। ओए हेलमेट 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 उठा ले सर में चिपक गई। तो पता नहीं चल रहा चौक थी वहाँ कसम पता भयंकर मेरे को भी चेक करना पड़ेगा फिर तो भाई मेरे सर में खुजली हो रही मेरे सर में तो नहीं लगी चौक हमें पता भी नहीं चल रहा है और जो कब पैर में चिपक जा रही कुछ पता नहीं चल रहा है जब खुजली हो रही थोड़ी बहुत तब पता चल रहा है कि चौक चिपक गई पैर में। तो एक बार सब चेक कर लो अपने अपने पैरों में अरे नहीं कुछ नहीं तो गंदा खून होता है गंदा खून होता है बैठा सस्ता होंगी गाड़ी में गाड़ी में ना सर कॉल है साथ में दाई यानी कि डॉन है बाकी सब कौन है। भाई के बहुत खून निकल गया रे भैया ओ मैं मरी जाऊंगा भैया बाजी जान से मार देगी मेरे लड़के का तूने खून निकाल दिया रे भैया। भाई सुनो पैर पूर में ठीक है गलत जगह घुस गई ना उसका कोई इलाज नहीं है तो गलत जगह हाथ लगा के रखना पंगा हो गया भाई यहाँ पे तो। चलो बाय बाय शुभम भाई बाय बाय भैया बाय तू तो मेरे साथ ही चल आ जा चल बाय बाय चल आ जा। एक बार फिर खराब हो गई अब क्या हो रहा भैया इसमें सेकंड टाइम आज मेरी बाइक ने मुझे धोखा दिया मतलब फिर खराब हो गई। मैं घर जाता हूँ फिर तुम्हें मैं एक लाइफ हैक बताता हूँ। और अभी दोसाद और मेरा भाई मोमो खाने के लिए रुके उन्हें मोमो खाने थे मैं मोमो खाता नहीं मुझे पसंद नहीं है देहरादून का होते हुए भी मुझे मोमो पसंद नहीं है। भाई मोमो कैसे हैं मोमो जैसी शक्ल होगी तेरी इधर तो नमस्कार। देखो भैया इसकी मोमो और इसकी शक्ल में देखो कुछ डिफरेंस दिख रहा बाय बाय तो गाइस ये ब्लॉग को यहीं हम करते हैं एंड क्या है ना कि आज मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ क्योंकि जब मसूरी जब हम ऊपर जाते हैं ऊपर जाना तो बहुत इजी है बट जब हम नीचे आते हैं ना वापस तो भाई लग जाती है तो हमारे पिछवाड़े की जो लगती है ना मेरे साथ वही हुआ है। तो मैं तुम्हें बता रहा था कि मैं घर जाके तुम्हें एक लाइफ हैक बताऊंगा। तो लाइफ हैक यह है कि जब भी तुम रॉयल इनफील्ड बाइक खरीदते हो तो उस पर BS4 BS6 में क्या है कि हम एक बटन लगाते हैं जिससे हमारी लाइट बंद हो जाती है तो वो आपको नहीं लगाना है। मैंने लगाया था क्या पता मेरे जो जिसने लगाया था मैकेनिक उसने गलत लगाया हो तो मेरी उसको लगाने के बाद वायरिंग शॉर्ट हो गई थी
फिर जब वो मैंने हटाया तो उसके बाद आज मेरी गाड़ी के सेल्फ खराब हो गया केवल उसी के चक्कर से। तो ब्लॉग को हम यहीं करते हैं एंड, और अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। और बताओ, मैं सोच रहा हूँ एक जोलो चिप चैलेंज करने के लिए आशीष के साथ, तो अगर आप चाहते हो कि मैं जोलो चिप चैलेंज करूँ तो कमेंट करके बताओ। नेक्स्ट वीडियो जोलो चिप चैलेंज होगी। टिल देन स्टे सेक्सी बेबी।